वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे हमारे भूगोल का क्लास सिक्स का चैप्टर टू, उसके हमने तीन पार्ट कर लिए थे। आज हम चौथा पार्ट करेंगे। तीन पार्ट में हमने तीसरे पार्ट में जो अंत में पढ़ा था वो था हमारा भारत का मानक, कि भारत का मानक हमने 82-85 पूर्व माना है। तो ये हमने देख लिया था भारत मानक के समय के जाना जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, भारतीय मानक समय। चलिए यहां तक हमने देख लिया था। अब आगे आपको एक उदाहरण के रूप में समझाया गया है भारत का ये मानक। चलिए देखते हैं उस उदाहरण को, फिर हमारा पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर या अभ्यास करेंगे। चलिए, तो कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको जो मानक मैंने कल बताया था पिछले वाले पार्ट में, उस वाले पार्ट में जो मैंने मानक बताया उसको हम यहाँ पे अच्छी तरह से अध्ययन कर पाए, कि वो मानक से हम किस तरीके से भारत का समय निर्धारित करते हैं। तो चलिए, कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। तो मतलब कबीर कहाँ रहता है? भोपाल। ठीक है, वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। कि भाई हम आज रात्रि में क्यों नहीं सोएंगे? क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच है, लंदन में 2 बजे आरंभ हो रहा है, शुरू होगा। कब? लंदन में 2 बजे। लंदन में 2 बजे मतलब ग्रीनविच में 2 बजे, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा। मतलब भारत में उस समय के 7:30 बजे होंगे तथा देर रात्रि में समाप्त हो जाएगा। और देर रात्रि में जो मैप है, मतलब जो मैच है वो समाप्त हो जाएगा। 7:30 बजे शुरू होगा और देर रात्रि में समाप्त हो जाएगा, वहां पे तो उस टाइम पे शाम ही हो रही होगी। तो क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? इस समय में जो है अंतर कितने का है? आपको कितना लग रहा है? 2 बजे से ये जो है रात के 7:30 बजे, तो कितने घंटे का अंतर हो गया? 5.5 घंटे। यहां से हमें साफ साफ पता लग रहा है। अब हम इसे इस तरीके से देखते हैं कि किस तरीके 5.5 घंटे का अंतर आया, वहां 2 बज रहे थे, यहाँ 7:30 क्यों बज रहे हैं? चलिए देखते हैं। तो भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, जैसे अभी मैंने आपको बताया 82.5 डिग्री हमारा मानक है। 82.5 डिग्री को हम किस में बदल देंगे? 82.5 डिग्री को हम बदल देंगे तथा यहां का समय ग्रीनिच समय से 5:30 आगे। अभी हमने क्या देखा था? हमने देखा था 15 डिग्री में 1 घंटा लगता है और 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। ये हमने देखा था, नहीं देखा था? देखा था। अब हम उसी को इसमें यूज करेंगे। हमने क्या देखा कि हमने भारत का जो मानक माना है वो 82.5 डिग्री माना। ये हम इसे लिख सकते हैं 30 मिनट को 82.5 डिग्री। पूरब में मैंने आपको बताया था पूरब में आगे होता है, तो जो भी आएगा वो हम प्लस में करेंगे। अब इसे हम मिनट में बता देते हैं, भाई कितना आएगा मिनट में, कितने डिग्री। तो अब 1 डिग्री इतना है तो 82.5 को पहले आप तो इसको जो है कन्वर्ट करेंगे, तो 2 2 4 4 और 2 8 16 और यहाँ पे 1 भी है तो कितना आ जाएगा, 165, मतलब 165/2 डिग्री में कितना होगा। तो हमें इसमें मिनट निकालना है, तो 4 मिनट तो यहाँ पे है ही, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 165 अपॉन 2 से कर दिया, 2 से यहाँ पे क्या हो गया, 2 बार। अब इसको कर दीजिए, 2 से जब 2 बार गया तो 2 5 10, 2 6 12 13, 2 2 और 1 3 कितना है, 330 मिनट आए। और अगर इसको हम घंटे का करते तो 15 डिग्री और 1 घंटा, तो 165 डिवाइडेड बाय 2 में कितने आते, यहां पे देखिए 1/15 मल्टीप्लाइड 165/2, 15 से कितनी बार, 11 बार, 11/2, 2 से करेंगे तो 5.5 घंटे। तो 5.5 घंटे या 330 मिनट, बात तो एक ही है। 5.5 घंटे या 330 मिनट दे दीजिए आप, बात एक ही होगी। 5 घंटे में कितने मिनट होंगे, 300, और 5.5 घंटे में इस तरीके के 30 मिनट और उड़ जाएंगे तो 330 मिनट आ जाएंगे। तो हमारे 5.5 घंटे हमने यहाँ से निकाल दिए। तो हमारे पूर्व में है तो 2 में 5.5 घंटे जोड़ दिए, 7:30 बजे हमारे भारत में। तो इस तरीके से हमने भारत का 7:30 बजे का समय जो है लंदन के 2 बजे से निकाल दिया। तो लंदन में जैसे बज रहे होंगे उसके अनुसार हम अपना समय इस तरीके से निकाल देते हैं, क्योंकि हमने मानक बना लिया। तो हर देश का अलग अलग मानक है, भारत सिर्फ एक मानक माना है क्योंकि सिर्फ एक जगह से गुजर रहा था।
कई देशों में कई सारे मानक हैं, क्यों? क्योंकि वो एक देशांतर से नहीं, कई सारे देशांतरों से गुजर रहे हैं। ये भारत तो सिर्फ एक देशांतर से बीच में गुजर रहा था, अभी मैंने आपको बताया सिर्फ एक देशांतर से गुजर रहा है, तो कई देश तो है ना, कई सारे देशांतर से गुजरते हैं। मैं आपको इसमें मैप में बता देता हूँ, ये आपका मैप है, इसमें देखिए कितने सारे देशांतरों से गुजर रहे हैं। ये जैसे आपका यूएसए है वो 2-3 से गुजर रहा है, ये आपका रशिया है, रशिया देखिए कितने सारे 1-2-3-4-5-6-7-8 इतने सारे से गुजर रहा है। तो हम भारत में एक से गुजर रहा था इसलिए एक मानक मान लिया, इसमें इतने सारे देशांतरों से गुजर रहा है तो हम इसमें कई सारे मानक मानेंगे। इस वजह से जब रशिया में कोई पर्सन होता है ना तो एक जगह जब रहता है तो वहां पे अलग समय होता है, जब दूसरी जगह जाता है तो अपनी घड़ी जो है वो आगे बढ़ा लेता है, अगर इधर आता है तो इधर जाता है तो कम कर देता है, तो इस तरीके से वो घड़ी को चेंज करता रहता है जब भी उसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता है, क्योंकि कई सारे देशांतरों से गुजरता है। भारत में ऐसी आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि भारत तो सिर्फ एक मानक से गुजर रहा है, तो आराम से हम उसका समय निर्धारित कर पा रहे हैं। ठीक है, ये हमने यहां पे देख लिया, तो इस तरीके से ये हो गया। अब आगे देखते हैं, उसके बाद हम अभ्यास करेंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए, जो मैंने अभी आपको बताया कई सारे देशांतर रशिया में, तो एक नहीं कई सारे मानक है, और उन मानक के अनुसार दो लंदन में जितने बजे होंगे उसके अनुसार हम उसे चेंज करते रहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे किया, डिग्री को घंटे बदल देंगे, डिग्री में आपको दिया जाएगा तो घंटे बदल देंगे, डिग्री कहाँ से आएगा, डिग्री हमें ये जो हमारे अभी मैंने आपको अक्षांश और देशांतर बताया तो उनमें देशांतर से हमको डिग्री पता लग जाएगा, तो उससे होगा, तो ये हमें अलग अलग से मापे गए। उदाहरण के लिए रूस भी यहाँ पे दिया हुआ है, रूस की 11 मानक है, मैंने बताया ना कई सारे मानक होते हैं, तो रूस के 11 मानक है, समय को अपनाया गया है, पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, पृथ्वी को टोटल कितने मानकों में बांटा गया है, तो 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, 15 डिग्री हमने यहाँ पे देखा था एक घंटे में, और एक एक घंटे के जो है 24 समय क्षेत्र है, तो 15 डिग्री देशांतर तक के हमारे क्षेत्र को घेरता है प्रत्येक समय क्षेत्र। ठीक है, प्रत्येक मानक जो है 15 डिग्री देशांतर को घेरता है। चलिए देख लिया हमने, तो यहां तक हमारा हो गया, तो हमारा ये चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, हमने इसे अच्छी तरह से देख लिया कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। ठीक है, अब हम अभ्यास करेंगे, क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो अक्षांश में एक चीज याद रखिए, अक्षांश में कितनी तरीके की चीजें होती है, अक्षांश में आपके पास जो है विषुवृत्त, विषुवृत्त होता है, उसके साथ कर्क रेखा, मकर रेखा, वो भी अक्षांश में ही होती है, उत्तरी ध्रुव व्रत, दक्षिणी ध्रुव व्रत, उसके बाद हमारे नीचे उत्तरी ध्रुव और ऊपर उत्तरी ध्रुव और फिर उसके बाद नीचे दक्षिणी ध्रुव, तो इस तरीके की चीजें सब हमने देख ली अक्षांश में। देशांतर में भी देखा, देशांतर में क्या देखा था, प्रमुख म्यामोत्तर, उसके बाद 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट, उस तरीके की चीजें देखी थी। तो देशांतर में समय के साथ किस तरीके का हम निकाल सकते हैं, भारत का मानक 82.5 डिग्री पूरब में है, और पूरब में है तो प्लस होगा, जो कि हम डिग्री से मिनट में बदलेंगे या घंटे में बदलेंगे, तो ये हमने देख लिया, ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पे देखते हैं, चलिए जाते हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स को मैं आपको किस तरीके से बताऊंगा, जैसे हमने पहले हमारे चैप्टर में किया था कि आपको क्वेश्चन यहां पे दिया है, इसका आंसर मैं आपको बुक में बताऊंगा कि बुक में आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न क्या कहता है, अभ्यास कर रहे हैं हम सब, ध्यान दीजिए। पहला, पृथ्वी का सही आकार क्या है, पृथ्वी जो है उसका सही आकार क्या है, गोलाकार है या नहीं है, क्या है तो सही आकार क्या है भाई, चलिए देख लेते हैं पृथ्वी का सही आकार क्या है, कहां पे मिल सकता है हमें। तो पृथ्वी का सही आकार तो पहले पेज पे ही मिलेगा, चलिए पहले पेज पे आ जाते हैं, ये हमारा पहला पेज हो गया। अब इसमें हमें देखना है कि पृथ्वी का आकार कैसा होता है, तो इस तरीके का होता है, ये देखिए क्या दिया हुआ है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, ये हमारी पृथ्वी का आकार है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया, अब यहां पे देख लीजिए, तो उत्तर मतलब यहां से इस तरीके से चपटी, दक्षिण में इस तरीके से चपटी, और यहां पे मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, ये उभरा हुआ है ना भाग,
ये हमारा इस तरीके का हमारा जो पृथ्वी है उसकी आकृति होगी, हमें लगती है गोल है, ग्लोब में भी गोल दी हुई है, मगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो इस तरीके की आकृति है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं हमारा अब दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कहता है ग्लोब क्या है। मैंने अभी आपको ग्लोब बताया था कि ग्लोब में जैसी गोल बता रखी है वैसी नहीं है इसकी आकृति, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पे चपटी और मध्य में उभरी हुई। अब ग्लोब क्या है अभी, अब हमने फर्स्ट पेज पर पहले पेज पर ही आकार देख लिया पृथ्वी का, अब ग्लोब देखेंगे। चलिए ग्लोब पे चलते हैं कि भाई फर्स्ट पेज पर ही था तो वापस से फर्स्ट पेज पे मिलेगा हमें। आ जाइए फर्स्ट पेज पे, ये हमारा फर्स्ट पेज हो गया। अब फर्स्ट पेज में ग्लोब ढूंढना है, चलिए ढूंढते हैं, आप भी ढूंढिए मैं भी ढूंढता हूँ ग्लोब कहाँ पे। तो ये आ गया हमारा ग्लोब, यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब हमें क्या बताना है कि ग्लोब क्या होते हैं। तो ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा पा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे भारी हो सकते हैं, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते और इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया लट्टू घूमता है। तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आपको संक्षेप में लिखना, तो आप बस ये लिख दीजिए ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक रूप है, ये आपका आंसर होगा। उसके बाद आपको ग्लोब की विशेषताएं लिखनी है, तो आप ये लिख सकते हैं भाई छोटा ग्लोब कैसा होता है, बड़ा ग्लोब कैसा होता है, वो सब आपको बताएगा। स्थिर नहीं है, घूमता रहता है, तो वो सारी चीजें आप इनकी विशेषता में लिख सकते हैं। अभी आपको सिर्फ ग्लोब क्या है पूछा है और वो भी एक या दो नंबर में, तो आप सिर्फ ये लिख सकते हैं ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप। चलिए ये हमारा आंसर हो गया दूसरे प्रश्न का। अब हमारे वापस से क्वेश्चन आंसर पे चल चलते हैं, ये आ गए हम अपने वापस से क्वेश्चन आंसर। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, दो क्वेश्चन का आंसर तो हो गया, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, जो कर्क रेखा है उसका अक्षांशीय मान क्या है। तो कर्क रेखा का अक्षांशीय मान मैं आपको, मुझे पता है कितना है, मैं अभी आपको जस्ट यहाँ पे आंसर बता सकता हूँ कितना है, 23 डिग्री 23, 23.5 डिग्री, और कर्क रेखा है तो उत्तर 23.5 डिग्री उत्तर, ये आपका अक्षांशीय मान होगा। अब मैं आपको किताब में बताता हूँ कि किताब में कहाँ पे दिया हुआ है कर्क रेखा का अक्षांशीय मान। चलिए कर्क रेखा पे सबसे पहले हमें आना होगा, ये देखिए ये कर्क रेखा है। अब कर्क रेखा का हमें अक्षांशीय मान बताना, ये अक्षांश है पहली बात, तो अक्षांश मतलब ये लैटिट्यूड है, अक्षांश है कर्क रेखा। अब कर्क रेखा का मान अक्षांश कितना है, ये देखिए कितना दिया हुआ, 23.5 डिग्री उत्तर, वो मतलब उत्तर, वही हमने वहां पे भी बताया था, वही हम यहाँ पे भी बता रहे हैं। और ये सिर्फ आपके डायग्राम में ही नहीं, आपके नीचे भी दिया हुआ, ये देखिए उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम हमारे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है चलिए देखते हैं। पृथ्वी के तीन ताप कटिबंध कौन से हैं, पृथ्वी के तीन ताप कटिबंध हमें बताना है। ताप कटिबंध कौन से हैं, ताप कटिबंध के लिए हम सबसे पहले देखते हैं तापीय जगह पे चलते हैं कि भाई ताप कटिबंध बताने हैं, तो पृथ्वी के ताप कटिबंध कहां पे दिए गए, चलिए देखते हैं, आप भी देखिए मैं भी देखता हूं, ताप कटिबंध बताने हमें। अब ताप कटिबंध तो अक्षांश पे ही होंगे, मैंने आपको पढ़ाए थे, अब वहां पे ताप कटिबंधों में आ जाइए, देशांतर में तो कुछ होगा नहीं, अक्षांश में होगा ताप कटिबंध। ये हमारे ताप कटिबंध आ गए, अक्षांश में चल रहे थे, अक्षांश में ताप कटिबंध थे, ये ताप कटिबंध यहां पे आ गए। अब हमसे पूछा गया है ताप कटिबंध तीन बताने, तो पहला ताप कटिबंध उष्णकटिबंध, जहां पे बहुत ज्यादा उष्मा या बहुत ज्यादा सूर्य की प्रकाश जाता है, और दूसरा दूसरा हमारा शीतोष्ण कटिबंध, उष्णकटिबंध शीतोष्ण कटिबंध, और तीसरा हमारा शीत कटिबंध, ठीक है, और इनकी ये परिभाषाएं हैं।
यहाँ से लेकर यहाँ तक की परिभाषा है, आपको सिर्फ नाम बताना है, तो ये तीन नाम बता दीजिए और परिभाषा बतानी है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये दूसरी परिभाषा हो गई और आपके तीसरे की यहाँ से लेकर यहाँ तक की परिभाषा हो गई। अब इसी को परिभाषा को पढ़ाने से अच्छा है मैं आपको मैप में बता दूं। चलिए डायग्राम में देख लेते हैं, ये जो डायग्राम है इसमें देखिए हमें क्या बताना है, कटिबंध बताना है। तो पहला कटिबंध क्या था, पहला कटिबंध था उष्ण कटिबंध, तो ये हमारा उष्ण कटिबंध, यहाँ देखिए उष्ण कटिबंध, इसकी परिभाषा क्या होगी, उष्ण कटिबंध कर्क रेखा मकर रेखा के बीच, हमारा उष्ण कटिबंध हो गया, सीधी सी बात है। और यहाँ पे उष्ण क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा पड़ता है, ये इसकी परिभाषा होगी। अब हमें क्या बताना है, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध उत्तर में भी है दक्षिण में भी है, और ये कहाँ पे है, कहाँ कहाँ के बीच में, कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच में उत्तरी शीतोष्ण, और मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच में दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ये उष्ण कटिबंध से थोड़े कम होते हैं, उनमें यहाँ पे कम रोशनी आती है, इसमें भी यहाँ पे उतनी रोशनी आती है। फिर उससे नीचे जाएंगे तो हमारे शीत कटिबंध, शीत कटिबंध दो होते हैं दक्षिण और उत्तर, और ये दक्षिण ध्रुव वृत्त दक्षिण ध्रुव के बीच में, ये उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच में, ये इनकी परिभाषा हो गई। और इसमें बता सकते हैं कि इसमें प्रकाश जो इतना कम होता है कि ये यहाँ पे बर्फ बर्फ जम जाती है, कोल्ड होती है, बहुत ज्यादा ठंडक होती है, ये परिभाषाएं होगी इनकी। अगर आपको पूछा जाए तो, अभी आपको परिभाषाएं पूछी नहीं गई है, अभी आपको सिर्फ नाम पूछे गए हैं, तो नाम देने में कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पे नाम देने, तो तीनों नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कर देंगे, पांचवा प्रश्न, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है, तो मैं आपको बता चुका हूं, अब मैं आपको किताब में बताऊंगा कि भाई ये किस तरीके की रेखाएं हैं। अगर मैं इनको एक या दो लाइनों में लिखूं तो क्या लिखूंगा, कि अक्षांश किस तरीके की रेखाएं होती है, अक्षांश होती है हमारी इस तरीके की रेखा, और देशांतर होती है हमारी इस तरीके की रेखा, हमने देखे थे ना बीच में ये, फिर ये यूं इस तरीके से, तो इस तरीके की रेखाएं, ये हमारा प्रमुख मेरुत्तर हो गया, बीच में हमारा यहाँ विषुवत वृत्त हो गया, तो इस तरीके से हम ये रेखाएं बता सकते हैं, मगर हमें यहाँ पे इसको परिभाषित करना है। तो चलिए आ जाते हैं हम अक्षांश और देशांतर पे, इनकी परिभाषाएं लिखनी है। सबसे पहले देशांतर हमें यहाँ पे मिल चुका है, तो आप देशांतर की यहाँ से परिभाषा लिख सकते हैं कि देशांतर रेखाएं क्या होती है। यहाँ देखिए उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की जो दूरियां हैं वो देशांतरी व्यामोत्तर होती है, ठीक है। या तो आप ये लिख सकते हैं, ये तो होगी हमारी देशांतर की परिभाषा। ये देखिए उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव दोनों को जोड़ने वाली रेखाएं हैं, ठीक है, और इस तरीके से होती है, ये हम बता सकते हैं। चलिए अब हमारा अगला है क्या, अक्षांश की परिभाषा बतानी है। चलिए अक्षांश की बता देते हैं, अक्षांश की बतानी है तो अक्षांश पे आना पड़ेगा। ये देखिए अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, विषुव वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, ये आपकी अक्षांश रेखाओं की परिभाषा होगी। तो देशांतर की अभी हमने देख ही ली, अब हमारा छठा प्रश्न आता है, अब हमारा छठे प्रश्न का आंसर देते हैं, उष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त होती है। मैंने उष्ण कटिबंध की जो परिभाषा अभी बता रहा था ना उसी में बता दिया, सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त होती है ये बताना आपको। या तो मैं अभी आपको बता दूं वो भी सही है, या फिर हम किताब में देखें वो सही है, किताब में ही मैं आपको बता देता हूं। तो हमें क्या कहां पे जाना है, उष्ण कटिबंध, चलिए उष्मा की मात्रा क्यों अधिक होती है चलिए देखते हैं, मैंने आपको बता रखा है अभी वापस से लिख लेते हैं। तो देशांतर है, देशांतर में तो है ही नहीं हमारा, हमारा जो है देशांतर में नहीं है, हमारा कहाँ पे, अक्षांश में। हमें क्या बताना है,
उष्णकटिबंध तो तापीय में मिलेगा, ये देखिए तापीय में आ गया। तो उष्णकटिबंध क्यों बोलते हैं? तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है, इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। ठीक है, चलिए हो गया हमारा, मैंने आपको इसकी परिभाषा में बताया भी था। चलिए अब हमारे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न पे, सातवां प्रश्न। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? ये आपको बताना है क्यों बजते हैं भाई। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? इसका कारण एक तो आप बोल सकते हैं कि भाई ग्रीनिच, जो ग्रीनिच है लंदन का, उसका सम, उसका मानक जोन होता है, और भारत का भी जो है मानक जोन है, उनसे हम निकालें तो हमें 5:30 घंटे की जो है मिलती है, और क्योंकि भारत जो है पूर्व में है तो हम 5:30 घंटे आगे चलते हैं, 12 बज रहे हैं तो हम आगे चलेंगे तो 5:30 घंटे जो है आगे चलेंगे, ये तो हमने पढ़ रखा है। अब हम किताब में भी देखते हैं, किताब में कहाँ लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं किताब में कहाँ लिखा है, तो हमने अभी पढ़ा था, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखिए, भारत ग्रीनिच के पूर्व 22.82 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5:30 मिनट आगे है, इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। ये 5:30 घंटे वाली जो बात है वो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो मैंने आपको जो बताया वही है, ये हो गया, ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। अब हम देखते हैं सही उत्तर को चयनित करने का। तो सही उत्तर चयनित करने के लिए हमें प्रश्न देखने होंगे। पहला प्रश्न, प्रमुख व्यामोत्तर का मान, अभी हमने देखा प्रमुख व्यामोत्तर का मान क्या होता है, बीचों बीच ये प्रमुख व्यामोत्तर होता है, ये फिर यूं, ये फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इस तरीके की होती है। तो इस प्रमुख व्यामोत्तर का मान कितना होगा, देख रहे हैं आप, जैसे हमारे अक्षांश पे था देशांतर ही है, तो इसका मान भी 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री हमारा आंसर होगा। तो वही आपको किताब में भी दिया हुआ है, ये आप किताब में भी देख सकते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न, शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है, शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? ध्रुवों के, विषुवत वृत्त के, कर्क रेखा के। शीत कटिबंध की परिभाषा मैंने आपको बताई, शीत कटिबंध किसके ऊपर होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चलिए पहले हम इसको बुक में ही, किताब में ही देख लेते हैं। तो शीत कटिबंध के नजदीक क्या पाया जाता है, चलिए शीत कटिबंध, शीत कटिबंध पे ना आए तो हमारे इस डायग्राम पे आ जाइए, ये हमारा शीत कटिबंध हो गया। शीत कटिबंध किनके बीच में, उत्तरी ध्रुव और उत्तर ध्रुव व्रत, कर्क रेखा तो बहुत दूर है तो कर्क रेखा नहीं होगा, उत्तर ध्रुव व्रत और उत्तर ध्रुव। अब आपको जो प्रश्न में ऑप्शन दिया हुआ है वो देखते हैं, ऑप्शन दिया रखा है ध्रुवों, विषुवत व्रत और कर्क रेखा, तो शीत कटिबंध ध्रुवों पर है, उत्तरी ध्रुव नीचे दक्षिणी ध्रुव वैसा ही बनेगा, तो आंसर आपका क्या आ गया, ध्रुवों पर, कर्क रेखा तो बहुत दूर है ना, तो ध्रुवों पर आ गया। ठीक है, अब हमारा तीसरा प्रश्न, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, 360 है, 180 है या 90 है, ये आपको बताना, तो कितनी हो सकती है? तो आप देखे तो 180 तो हमने देखे थे कहां पे, ईस्ट में, और 180 हमने कहां पे देखे थे, ये वेस्ट में देखे थे, नहीं देखे थे? तो देशांतरों की संख्या कितनी हुई, 180 ईस्ट, 180 वेस्ट, टोटल 360 डिग्री, आंसर क्या हो गया, 360 डिग्री हो गया। ठीक है, बड़ा आसान सा प्रश्न था, अब आगे चलते हैं, हमारा चौथा प्रश्न वो क्या कहता है, दक्षिण ध्रुव व्रत स्थित है, अब दक्षिण ध्रुव व्रत कहां पे स्थित है वो बताना। तो हमें पता है दक्षिण में स्थित है ध्रुव व्रत, तो सबसे बड़ी बात दक्षिण में ही होगा, दक्षिण गोलार्ध में, ये तो हमारा आंसर हो गया। मगर हम इसे हमारे डायग्राम से भी देखेंगे कि भाई सच में दक्षिणी गोलार्ध में ही ना दक्षिणी ध्रुव व्रत, तो ये देख लेते हैं, हमारा दक्षिणी ध्रुव व्रत के लिए हमें वापस आ जाना है
हमारे इस वाले डायग्राम पे देखिए, दक्षिणी ध्रुव व्रत, दक्षिणी ध्रुव व्रत यहां पे है, कहां पे है ये दक्षिण गोलार्ध में है। देखिए कौन से गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में। तो हमें यहां से आंसर मिल गया भाई, ये दक्षिण गोलार्ध में, क्यों, क्योंकि विषुवत व्रत एक तो उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिण गोलार्ध में बांट देता है, ये दक्षिण गोलार्ध, ये हमारा आंसर होगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया क्या, उत्तरी गोलार्ध में, सॉरी दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी ध्रुव व्रत स्थित है दक्षिणी गोलार्ध। अब ग्रिड किसका जाल है, अब जो मैंने आपको वो डायग्राम बताया था ना कि यूं बना हुआ था और फिर यहां पे इधर के भी थे और फिर यहां पे इधर भी थे, तो ये पूरा जो मैंने बताया था ना, यहां पे आपको बताया गया था विषुवत व्रत नीचे प्रमुख याम्योत्तर, सारे के सारे अक्षांश देशांतर सब बताए थे जिससे हमने ये सारी चीजें बताई, उन सबको हम मिला के कहते हैं ग्रिड। तो अक्षांश रेखाओं, ये अक्षांश वाली रेखाएं, और ये देशांतर वाली रेखाएं, दोनों अगर साथ में बता दी गई तो वो ग्रिड कहला देती है, क्या कहला देती है, ग्रिड कहला देती है, तो हमारी ये ग्रिड हो गई। अब आगे चलते हैं, अब हमारे खाली स्थान भरो, ये हमारे पांच प्रश्न, तो मैंने आपको जो भी बताया तो ये पांच प्रश्न आपको होमवर्क में करने, कहां पे करने, होमवर्क में, जो मैंने अभी आपको बुक में बताया तो ये सभी आंसर आपको बुक में मिल जाएंगे, आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं, सारे आंसर बुक में मिल जाएंगे। पहले दूसरे ये आपको पांच क्वेश्चन करने, ठीक है, तो हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।